हे पार्थ, मोह बुद्धि का अज्ञान होता है और इसी अज्ञान के कारण मनुष्य भौतिक आकर्षण में फंस जाता है। वो जानता नहीं कि देह तथा समस्त भोग नश्वर हैं, मिथ्या हैं। जब मनुष्य सत और असत अथवा नित्य और अनित्य का भेद जान जाता है, तब वो निरासक्त हो जाता है। उसे किसी भी चीज का आकर्षण नहीं रह जाता तथा मोह का लोप होने पर मनुष्य किसी भी प्रकार से किसी भी वस्तु की ओर आकर्षित नहीं होता। हे पार्थ, यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद मोह का त्याग होता है, आत्मिक योग बल में वृद्धि हो जाती है। योग बल के कारण मन स्थिर हो जाता है और स्थित प्रज्ञ होने के कारण मनुष्य का परमात्मा के साथ योग हो जाता है। पार्थ, तुम भी आत्मिक योग बल द्वारा अपनी अंतरात्मा में झांक कर परमात्मा को देखने का प्रयास करो, सम्बुद्धि कर्मयोग का आचरण करो और स्थित प्रज्ञ बन जाओ।